अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और आपने टोयोटा फॉर्च्यूनर का तो बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर बड़ी अच्छी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, लोकल असेंबल में बहुत छाई हुई है आजकल। और उसका रेट जो है वो इस वक्त 10 लाखों पर चला गया। अभी थोड़ी सी प्राइस उन्होंने कम भी की है, 12-12.5 लाख रेंजेंडर पर काम किया है। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी गाड़ी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस पर पहले भी एक मेरी वीडियो आई थी जब ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, और वो गाड़ी है बाइक BJ40L। ये गाड़ी है, और इस गाड़ी का मैं आपको बताता जाऊं कि ये एक चाइनीज़ गाड़ी है, मतलब के लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो टोटल जीप रेंगलर वाला है 100%। अब आपके ये क्वेश्चन ये भी जहन में आएगा कि ये गाड़ी जीप रेंगलर है तो एकदम इसका मतलब है कि ये चाइनीज़ लोगों ने गाड़ी चोरी की है। नहीं, ऐसा नहीं सीन। ये गाड़ी का जो एक्चुअल डिज़ाइन है ना, ये बोरो किया गया है, ये कोलेबोरेशन के साथ बनती हैं, मतलब कि वो कंपनी जीप को पैसे देगी और जीप जो है वो डिज़ाइन उनका जो है वो उसके साथ कोलेबोरेशन के साथ, मतलब ये गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो बना के अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज करती हैं, सिर्फ यही नहीं करती। और रिज़ल्ट के सिलसिले में आपको एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मिलती है, जिसकी तकरीबन आप समझ लें कि जीप से कोई 5 से 7 गुना ज़्यादा कम, जो कम प्राइस है ना उसमें आपको गाड़ी मिलती है। ये जो यूनिट है ना, ये लोकल असेंबल, टोटल लोकल असेंबल गाड़ी है। और ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर अब CKD यूनिट्स बन रहे हैं। और जो प्राइस है इस गाड़ी की, पिछले साल से लेकर अब तक इस गाड़ी की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और अभी फिल वक्त की जो इस गाड़ी की प्राइस है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 95 है, मतलब कि 95,95,000 पे जा चुकी है। और जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त इसकी प्राइस काफ़ी कम थी, और ये डॉलर इंक्रीज़ की वजह से सब गाड़ियों के साथ साथ इस गाड़ी की प्राइस के ऊपर भी उतना ही इफेक्ट हुआ है जितना उन गाड़ियों के ऊपर हुआ है। जो ऑफर कर रही है जो कि है 2000 cc टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये आता है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन है, मतलब यार 2000 cc में कैसे चलेगी। बट टर्बोचार्ज इंजन है और बड़ी पावरफुल गाड़ी है, और ओवरऑल एक गाड़ी जो है ना सीन वो बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे जो मतलब लगा है ना, एक पहला इंप्रेशन जब मैंने इसको प्लांट पे देखा था मुझे तब भी प्यारी लगी थी, और आज भी मुझे ये प्यारी लगती है। ये देखें ना ज़रा बॉडी, देखें इस गाड़ी की, इसकी लाइट्स, सिर्फ ये लाइट्स मुझे थोड़ी सी ज़रा लगती है तो काफ़ी अग्रेसिव है लेकिन मुझे लगती हैं। इसके DRLs यहाँ पे हैं, और आगे इन्होंने बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे ये हुक्स बनाए हुए हैं मजबूत मेटल के, अगर आपने कोई चीज़ टो करनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसको बताऊँ, आप फेंडर का साइज़ देख रहे हैं ये वाला, ये वैसे टिपिकल जीप की पहचान है, बट यहाँ पर अगर आप आए ना तो ये सारी की सारी इन्होंने कवर की हुई है प्लास्टिक के साथ ना, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ी को जो मैट जंग है उससे ये बचेगी। और व्हील्स जो हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं इस गाड़ी के, और ये बाइक का लोगो इस गाड़ी के जो उन्होंने बनाया हुआ है 2-tone कलर के अंदर ना, सिल्वर ब्लैक और ग्रेज सा कलर है। 265/65R17 का टायर है, काफ़ी ऊंची गाड़ी है रोड से ये देखें ज़रा ग्राउंड क्लियरेंस वाइज, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है आप इसके मैंने वीडियोस देखी हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ढीलों से उठा उठा के इसको फेंक रहे हैं तो काफ़ी ऊपर है, स्टेप इसलिए दिया हुआ है। ये मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगती है जो ओपन एक्सपोज हिंजेस हैं ये जो दिए हुए हैं, ये टिपिकल जो आती है ना जीप या आप कह लें जी वैगन वैसे स्टाइल के हैं, तो काफ़ी फ्लैट स्क्रीन है, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है, साइड मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं। ये डोर्स, दिस इज ये बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, आप ये हैंडल्स देख रहे हैं ना इसकी गाड़ी के ऊपर ना, ये पूरे रोल ओवर्स ये देख रहे हैं पूरे अंदर की तरफ छत में, ये पीछे भी लगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से जब आप ये क्लिप खोलेंगे, ये क्लिप खोलेंगे तो ये सनरूफ की तरह पूरी छत खुल जाती है, और अगर आपने टूल्स का इस्तेमाल करें तो यहाँ से ये पूरी पिछली छत जो है वो भी रिमूव हो जाती है, और ये पूरी की पूरी ऊपर जो छत है ना ये वाली, ये उतार के आप इसको स्टोर कर लें जैसे टिपिकल जीप में करते हैं। और ये आपको तब फ़ायदा देगी जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो ये एक चीज़ जो है इन्होंने बड़ी अच्छी दी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ना डायमंड ये वाला, ये चीज़ ये आपको कस्टमाइजेशन इसके अंदर है, इस गाड़ी के अंदर ये है ब्लैक, इसके अलावा इसके अंदर डार्क ब्लू का ऑप्शन भी है, इसके अंदर रेड इंटीरियर का ऑप्शन भी है। तो रेड में आपको यहाँ रेड मिलेगा, स्टिचिंग में रेड मिलेगा, और सीट्स के अंदर रेड एक्सेंट जो है वो मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। अगर वाइट गाड़ी हो तो ब्लैक में, अगर रेड ब्लैक गाड़ी हो तो रेड कॉम्बिनेशन करें। इसके अलावा अगर स्विचेस देखें इसके, तो ये भी इसके ऐसे ही हैं जैसे गाड़ी के जो है वो लोगो होता है ना बाइक का, वही वाले दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्यूल टैंक के ऊपर पता नहीं चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ है, और इसकी जो लाइट्स हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं, क्या इसको कहते हैं, मतलब LED हैं लेकिन बड़ी प्यारी बनाई हुई हैं। और ये इसकी डिग्गी है जो खुलती है स्प्लिट में, और पीछे भी हुक्स हैं, और अगर आपने इसको खोलना है तो ये इसका जो है, या आप इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे खुल जाता है। और ये आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है क्योंकि ये 5-seater में ही आती है। यहाँ पे भी देखा तो ये रोल ओवर जो है ये बाहर लगी हुई है कि अगर आपने छत को उतारना है तो आप ऐसे कर सकते हैं।
अगर कोई सामान आपने ज़्यादा बांधना है तो ये जो चीज़ें हैं ये मौजूद हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं। और सीट्स भी आगे फोल्ड हो सकती हैं, मतलब सामान आप बहुत लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको आप इस तरह नहीं बंद कर सकते, ठीक है, क्योंकि आगे शीशा आ जाता है। अगर आपने इसको बंद करना है ना, पहले इसको ऐसे खोल के, ये जैसे वो आता है ना स्प्लिट टेल गेट जैसे क्रूज़र में आती है, तो ये वो चीज़ है, इसको यहाँ से ऐसे आप बंद करते हैं, तो पीछे भी स्पेयर व्हील है। इसके अलावा पार्किंग सेंसर भी हैं पिछली साइड पे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर ना फ्रंट और रियर में प्रॉपर सॉलिड एक्सल आता है। अगर आपको मैं जूम करके बता दूं तो ये टेक्निकली फॉर्म में ये है, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना ये इसके अंदर। अच्छा, पिछली एक अच्छी चीज़ है कि पीछे भी इसके कमानियाँ नहीं है, प्रॉपर कॉयल ओवर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, शॉक्स हैं। अच्छा, इसका ये है बेनिफिट, जैसे फॉर्च्यूनर का आप देखते हैं ना, तो फॉर्च्यूनर में ये सीन होता है, उसमें भी यही चीज़ है कि उसके अंदर प्रॉपर सॉलिड रिजिड एक्सल लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी हर तरह की जो ट्रेन है उसकी मार खा सकती है। मतलब जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर्स है ना, लाइक किया, एमजी, हैवल, प्रोटोन, सबका, उनके अंदर ये चीज़ नहीं आती, उनके अंदर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सॉलिड एक्सल मिलेगा फ्रंट और रियर दोनों में, जिसकी वजह से ये गाड़ी जितनी मर्जी ज़्यादा मार जो है वो खा सकती है। ये प्रॉपर 4x4 जो है ये SUV है, प्रॉपर SUV है, और एक खूबसूरत गाड़ी है जो कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल है उसके अंदर इस गाड़ी की एडिशन हुई है। और मैं बड़ा इस गाड़ी के साथ खुश हूँ इसके एडिशन से। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ये गाड़ी जो है इंशाल्लाह लाजमी हम लोग ख़रीदेंगे। मैं मतलब हाजी गाड़ी, वैसे तो सारी गाड़ियाँ मुझे प्यारी लगती हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही ऐसा है। ऐसे पाँव रखें और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाएँ, और अब आ जाएगी गाड़ी के अंदर। वो दरवाज़ा वो वाले मैंने खोले हुए हैं थोड़ी लाइट के लिए। अच्छा, ये चाबी है जी, इसकी सादा सी चाबी है, इसको रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने स्टार्ट करना ना, इसका जो इग्निशन है ना बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे ये चेक करें। अच्छा, इग्निशन के साथ ये जो लाइट देख रहे हैं ना, ये आप टिपिकली, मैं आपको बताऊँ, ये आपको मर्सिडीज़ की याद दिलाएगी। उसकी रीज़न ये है कि मर्सिडीज़ की गाड़ियों में ये ऐसी चीज़ आती है, और मर्सिडीज़ के साथ भी इनकी चाइना में कोलैबोरेशन है। ये स्विचेज़ जो हैं, ये आपको ये देखें, इधर से आप इसको बंद कर सकते हैं, इधर से इसको आप खोल सकते हैं हवा के लिए। कंप्लीट 4x4 गाड़ी है, 2 हाई 2 लो 4 लो। इसके अलावा इसके अंदर ड्राइविंग ऑप्शन भी है, स्पोर्ट्स मोड है, स्नो मोड है, इस तरह करके इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन है। इसके अलावा मल्टीमीडिया भी आपको यहीं पे वॉल्यूम का मिलता है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसके अलावा जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ना बहुत सॉलिड है। और ये आपको टिपिकल वही आपको याद दिलाएगी जीप रैंगलर, या मैंने तो ये जीप वैगन से भी बहुत मतलब इंस्पायर्ड देखी है। इसके स्पीकर्स यहाँ पे हैं, दरवाज़ों में नहीं है, क्योंकि दरवाजे भी इसके उतर जाते हैं, तो इसलिए स्पीकर जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये इसका मकसद है। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, स्क्रीन जो है वो ऑल डिजिटल है इस गाड़ी के अंदर, और टिपिकल जो लाइट्स हैं वो इसकी लेफ़्ट साइड पे आती हैं। एसी जो है वो इसका चल गया, तो एसी इसका कर देते हैं पहले बंद। और इसके अलावा स्टेरिंग व्हील के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, जिसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा नेविगेशन है, स्टेरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट भी मौजूद है, और दरवाज़ा जो है, दरवाजे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो स्टिचिंग वगैरह दी है, यहाँ पे भी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा जो स्क्रीन है वो भी इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है, और इसको चलाना भी आसान है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। फ्लोटिंग डिस्प्ले है। अगर गाड़ी को हम रिवर्स में डालते हैं तो चेक करते हैं जी गाड़ी का पार्किंग कैमरा जो है वो कैसा है। तो ये इसके अंदर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, और इसके अलावा ये कैमरे के जो हैं वो आपने पार्किंग के लिए जो है वो मतलब डिफरेंट व्यूज़ आपको दे रहा है, ये है। इसके अलावा ये है, और अब हम इसको दोबारा पार्क में ही कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ से, और ये मैंने 100% मर्सिडीज़ में देखा। अगर आप इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ ना, और ये देखें, तो ये हर चीज़ इसके अंदर चलती है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और बाकी जो है यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस के साथ साथ इसके अंदर USB की जो है वो चार्जिंग दी गई है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की बहुत ही ऑकवर्ड सी लगी है वो ये है, आप इसके अंदर बैठे ना, अब यहाँ पे आपको ना इधर इस साइड पे हाथ के, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना इधर यहाँ पे ना कोई नहीं मिलता। अगर आपने सीट को ऊपर नीचे करना तो वो आपको यहाँ पे पीछे करके मिलता है, तो हाथ यहाँ पे ऐसे करके ना सीट को आपने आगे या पीछे करना है, तो ये थोड़ा सा ना ज़रा अनोइंग है बंदे को, मतलब ज़रा ना मसला करता है। इसके अलावा जो सेफ्टी की रेटिंग की बात की जाए, तो 2 एयरबैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर, फ्रंट और रियर पैसेंजर्स दोनों के लिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ABS ब्रेक्स हैं, और रेयर के अंदर पार्किंग सेंसर है। जो इस गाड़ी के अंदर अननोइंग चीज़ मुझे एक और लगी थी वो ये है कि इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं ना, ये LED नहीं होती। वैसे तो प्राइस वाइज देखा जाए तो फॉर्च्यूनर का जो बेस वेरिएंट है वो 99 लाख से शुरू होता है, तो वो जी है जिसके अंदर 4x2 है, वो 4x4 भी नहीं आता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज़ाहिर बात है टोयोटा एक ब्रांड है जिसको
कम्पीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ट्योटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट ये एक अच्छी गाड़ी है इन पैसों में। अगर आप देखें तो ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, एक फुल जो बंदे 4x4 के लवर उनके लिए ये गाड़ी जो है बहुत ही अच्छा एडिशन है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में भी मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।